टॉपिक दिया गया था व्हाई टू अपडेट, अपडेशन की ज़रूरत क्यों। ऑल्दो आप टीचिंग कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपके रिजल्ट्स नो डाउट अच्छे होंगे, आपका डेडिकेशन, आपकी रिसर्च, आपने जो पढ़ा है, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान जिस तरह के बच्चों के साथ जिस तरह के एक्सपीरियंस आपके हैं, जो चैलेंजेस आप फेस करते हो, इवन आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो और शायद मैं उस हद तक समझ भी नहीं पाऊँ उस प्रेशर को जो आप पर रहता है। बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि एक ज़रूरत होती है अपडेशन की, क्योंकि हम अपडेट करते हैं अपना मोबाइल, अब हम सबके सब टच स्क्रीन पर आ गए। और मज़ेदार बात यह है कि फीमेल यूज़र सबसे ज़्यादा टच स्क्रीन मोबाइल है। हमारे घरों में भी जो मेल पर्सन होते हैं वो जनरली कहते हैं रहने दो यार, वो हमारा वही मोबाइल ज़्यादा अच्छा बेटर बात है। बट फीमेल यूज़ टू दे यूज़ टच स्क्रीन मोबाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, ये डिमांड है। और हमको उसमें बहुत सारे नए फीचर मिलते हैं कि जो कि हमको कम्युनिकेट करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए और आसानी से माध्यम अवेलेबल करता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर अपडेशन, अपडेट। हम अपडेट होते हैं कलर्स को लेके, हम अपडेट होते हैं लेटेस्ट फैशन पर, और हम अपडेट होते हैं जो हमारे सराउंडिंग। इवन जब हम अपना नया घर बना रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कैसा डिज़ाइन चल रहा है, जबकि पता है कि घर परमानेंट बन जाएगा और चार साल बाद फैशन बदल जाएगा, फिर भी वो टाइल्स एंड ब्रिक्स बनाना, आर्च लगवाना, ये सब कुछ हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, वो अपडेट नहीं हो पाता। तो वाई टू अपडेट लॉस है। अभी क्वेश्चन आता है कि जब हम उन एसेट्स की अपडेशन की बात करते हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, वट अबाउट आर्स है, तो हमें खुद को अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, ये डिमांड है। और हमको उसमें बहुत सारे नए फीचर मिलते हैं कि जो कि हमको कम्युनिकेट करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए और आसानी से माध्यम अवेलेबल करता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर अपडेशन, अपडेट। हम अपडेट होते हैं कलर्स को लेके, हम अपडेट होते हैं लेटेस्ट फैशन पर, और हम अपडेट होते हैं जो हमारे सराउंडिंग। इवन जब हम अपना नया घर बना रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कैसा डिज़ाइन चल रहा है, जबकि पता है कि घर परमानेंट बन जाएगा और चार साल बाद फैशन बदल जाएगा, फिर भी वो टाइल्स एंड ब्रिक्स बनाना, आर्च लगवाना, ये सब कुछ हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, वो अपडेट नहीं हो पाता। तो वाई टू अपडेट लॉस है। अभी क्वेश्चन आता है कि जब हम उन एसेट्स की अपडेशन की बात करते हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, वट अबाउट आर्स है, तो हमें खुद को अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए? हमको उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स के साथ, आप लोग के एक्सपीरियंस है, इसमें से कुछ नए स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो कि टीचिंग में जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टीचिंग में होती है वो ये होती है, जो मैंने अभी तक फाइंड आउट किया है, जब मैं पढ़ा रही होती थी उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी वीकनेस है वो मेरे स्टूडेंट की वीकनेस बनेगी डेफिनेटली, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और अगर मेरी अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। जो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को प्रेशराइज कर सकती हूँ, ये ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं ऐसा। वो मुझे चार क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो मेरे पास उसके आंसर्स हैं, लेकिन अगर मैं खुद अपडेट नहीं हूँ, अगर मेरे पास खुद एक प्रॉब्लम की तीन सॉल्यूशन है, तब मैं अपने स्टूडेंट को किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकती बेटर रिजल्ट। क्यों नहीं कर सकते हम अच्छे रिजल्ट के लिए उनको फोर्स? क्योंकि हम खुद रेडी नहीं हैं। तो हम जिस वक्त हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं, सपोज आप क्लास फाइव को पढ़ा रहे हैं, देन वही बैच आप सिक्स में पढ़ा रहे हैं, वही बैच आप सेवन में पढ़ा रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज होगा और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास थर्ड का बच्चा रिप्लाई नहीं करता, क्लास सिक्स का क्वेश्चन नहीं करता, रिप्लाई करता, तो हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। और जब हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हमारी टीचिंग भी चेंज होनी चाहिए। टीचिंग चेंज होना क्यों ज़रूरी है? सेम पैटर्न से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम सेम रिजल्ट लाएंगे, अगर वही पैटर्न हमारा सेम। इवन आप सोचिए कि पहले हमारे घर के किचन्स में, मैं लेडीज़ के एग्जाम्पल दूँ तो हमारे घर के किचन्स में जो खाना बनता था ट्रेडिशनल कुकिंग,
और अभी हम सब ट्राई करते हैं कि हमसे पिज्जा भी बन जाए, बर्गर भी बन जाए, हम चाइनीज फूड भी बना लें, थोड़ा सा इटालियन भी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो हमारे हाथ से सिर्फ दाल का पानी पी लेता था, वो बच्चा अब हमसे डिमांड कर रहे हैं कि माँ पिज्जा खा। एंड दैट कंडीशन वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वी हैव टू सैटिस्फाई दैट चाइल्ड, उस बच्चे को हमको खुश कर। हमारे बच्चे जो क्लास के हैं उनका जो रिजल्ट है, एक्चुअली वो उनका रिजल्ट नहीं है। किसका रिजल्ट है? हमारा रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट अप टू द मार्क चल रहा है तो आप खुद को शाबाशी दीजिए, वेल डन, आपने वाकई ईमानदारी से। और अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो डोंट वेट फॉर एनी कमिट, खुद को कमिट कीजिए कि अब मुझे और बेहतर करना होगा। क्योंकि वो रिजल्ट आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके एफर्ट्स भी आपसे बेहतर कोई नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बच्चों को चुन लेते हैं और हम उनके साथ एफर्ट डालते हैं। ऐसा होता है कि कुछ बार हम कुछ बच्चों को देख लेते हैं कि ये ठीक है, इसके साथ कम मेहनत करनी पड़ेगी, हम पूरे 45 बच्चों में से 8-10 बच्चों को निकाल देते हैं और हम एफर्ट डाल देते हैं। यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि जस्ट टेक चैलेंज। बात तब बनती है कि जब हम किसी ऐसे बच्चे को फर्स्ट क्लास पे लाकर खड़ा करते हैं जिसने खुद भी इमेजिन नहीं किया है कि वो कभी फर्स्ट क्लास। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर।